नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यह है PQ, यह है PQ, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर, R से P तक ये जो लाइन है PR, ये है 7 सेंटीमीटर, और O जो है ये इस वृत्त का, इस सर्कल का केंद्र है, सेंटर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा देखिए, हमें पता है कि कभी भी एक, ये हो गया एक व्यास, हो गया डायमीटर, हो गया सर्कल का, क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रहा है। तो व्यास पर, व्यास के साथ यदि वृत्त पर कोई भी एक बिंदु जोड़कर उसके दोनों सिरों से इसे जोड़ा जाए तो ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो हम अपना हल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल P बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P बराबर 90 डिग्री। अब बच्चों देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और इसके सामने ये हो गया कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं और हमने इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय होती है एच स्क्वेयर हाइपोट स्क्वेयर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर बराबर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज है QR, जो हमें नहीं पता है, बराबर बेस, बेस है PR, PR हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, परपेंडिकुलर है देखिए PQ, और PQ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो P का स्क्वेयर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वेयर यानी कि 24 का स्क्वेयर। तो देखिए QR स्क्वेयर आ गया, 7 का स्क्वेयर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वेयर बच्चों होता है 576। इन दोनों को प्लस करिए, देखिए 9 में 6 प्लस किया, 9 6 15 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12 हासिल आया 1, यहाँ कुछ नहीं है, 5 और 1 6, तो ये आ गया 625। अब देखिए QR का स्क्वेयर बराबर है 625, जो कि होता है 25 का स्क्वेयर, 25 गुना 25 होता है 625। तो बेटा QR का स्क्वेयर 25 के स्क्वेयर के बराबर है, स्क्वेयर स्क्वेयर कट जाएगा तो बाकी हमारे पास बच जाएगा QR बराबर 25 सेंटीमीटर। QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने क्या किया है, इस त्रिभुज, ये जो एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज बना था, इसका जो हमने ये हाइपोटेन्यूज था यानी कि कर्ण था, ये हमने पता किया है 25 सेंटीमीटर आया है। आइए अब हम देखते हैं हमें करना क्या है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, ये एक वृत्त है, इस वृत्त में से अगर ये व्यास है तो ये हो गया आधा वृत्त और ये हो गया आधा वृत्त, आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर, इस व्यास के, यानी कि ये हो गया अर्धवृत्त। ये जहाँ पर मैं अपनी उंगली हिला रहा हूँ, ये पेन हिला रहा हूँ, ये है एक आधा वृत्त, अर्धवृत्त है ना बेटा, इसमें ये एक त्रिभुज है। तो यदि इस अर्धवृत्त में से मैं इस त्रिभुज को माइनस कर दूं, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये भी शेडेड है, ये वाला पोर्शन ये भी शेडेड है, ठीक है। तो इस वृत्त, इस अर्धवृत्त, आधे वृत्त में से यदि मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही मैं आप लिखने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह है क्षेत्रफल लिखा मैंने, माइनस उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आधे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बटा दो, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने एक तो पढ़ा था हीरोन सूत्र से, लेकिन हमें पता है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है इस प्रकार का, तो ऐसे त्रिभुज का एक फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यही यहाँ पर यूज़ करेंगे हाफ। सबसे पहले बेटा हमने फार्मूले लिखने हैं ताकि आपको पता रहे आपने कौन सा सूत्र यूज़ किया है, ठीक है बच्चों? तो अब ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास है पाई आर स्क्वायर बटा दो, पाई होता है 22/7। बच्चों हमें पता है जब तक हमें पाई की कोई और वैल्यू नहीं दी हुई तो अब तक हमने 22/7 ही यूज़ करना होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। गुना आर स्क्वायर, आर क्या है इस वृत्त के लिए, आर कितना होगा, ये पूरा व्यास है उसका आधा यानी ओ क्यू। अब पूरा व्यास हमने आर क्यू अभी निकाला, देखिए क्यू आर 25, यानी कि ये पूरा व्यास है 25 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25/2। तो आर हो गया 25/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 25/2 गुना 25/2, 25 ऊपर गुना उतरेगा, 2 और 2 नीचे गुना उतरेगा, माइनस देखिए हाफ गुना बेस, बेस यानी इस त्रिभुज का बेस जो कि है पी आर, पी आर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 7 गुना हाइट, हाइट ये है पी के ओ हाइट इसकी पी के ओ, और पी के ओ हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? तो इसमें जो कट सकता है उसको हम काटेंगे। अभी देखिए 2 से 22 कट जाएगा 11 पर, 2 से 24 कट जाएगा 12 दूनी 24, और कुछ भी नहीं कट सकता। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। हमारे पास बच गया यहाँ से आ गया 11 गुना 25 गुना 25, ठीक है बच्चों? हमारे पास आ गया 11 गुना 25 गुना 25, जो कि होगा 25 गुना 25 होता है 625। तो 625 को हम 11 से गुना करके देख लेते हैं, 11 5 55 हासिल आया 5, 11 2 22 और 5 27 हासिल आया 2, 11 6 66 और 2 68 6875, तो ये आ गया 6875 बटा 7 2 14। अच्छा बटो एक चीज़ हम भूल गए, सॉरी उसके लिए एक चीज़ ये भूल गए कि देखिए पाई आर स्क्वायर बटा दो भी था, तो ये लिखा पाई आर स्क्वायर, ये वाला दो मिस हो गया हमसे, तो ये दो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में, ये भी दो है साथ में, तो अब ये बन गया 7 2 14 2 28, तो नीचे आ गया 28। आ गया माइनस का निशान, माइनस का निशान लगा दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ये नीचे दो कट चुका है, ये है 12 7 84 12 7 84। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे ये कुछ नहीं है तो 1 28 और 1 का जो लघुत्तम आएगा एलसीएम आएगा वो आएगा 28। 28 को 28 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 6875 से गुना किया तो ये आ गया 6875 6875, माइनस 28 को 1 से भाग करने पर आएगा 28, उस 28 को ऊपर नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना ना, तो 28 को 1 से भाग करने पर आएगा 28, उस 28 को ऊपर 84 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2352, ठीक है बच्चों? और इसके साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है बच्चों, ये रफ वर्क है, इसको आपने नहीं देखना है। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, 6875 में से 2352 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा बच्चों
4523, आप करके भी इसको देख लेना, 4523 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हम इसे भाग करेंगे बच्चों, यदि हम इसे आपस में भाग कर लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये इस फिगर में ये अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त में से ये हमने ये वाला त्रिभुज माइनस कर दिया तो हमारे पास ये छायांकित भाग आ गया, उसका हमने क्षेत्रफल निकालना था। बच्चों कैसे निकाला, हमने सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं पता थी, तीसरी नहीं पता थी, वो हमने पता की। क्यों पता की बच्चों, क्योंकि ये पूरा व्यास हमने पता किया, उससे हमें ये आधा मिला। देखो 25 आया था ना ये 25, तो इससे हमें 25/2 इसका आर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि त्रिज्या सर्कल की मिली थी, इसलिए हमने ये पाइथागोरस लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, आधे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर बटा दो में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस कर दिया। ये कैलकुलेशंस करी, ये माइनस करने से हमारे पास आया 181.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। तो बच्चों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा अच्छे से, और यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया और आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।